95% चांस है कि आरसीबी आज हारने ही वाली है। अब देख तू, अब देख तू, अब दे, अब तू गया बेटा। और इनका नसीब कभी बदल तो सकता है नहीं। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, वजह से या फिर पानी पीने के वजह से, जिस वजह से भी है, लेकिन इस वजह से मुझे गौ सेवा रोज करने का मौका मिल जाता है। शाबाश बेटा, बहुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, सुप्रभात। हर दिन की तरह ये दिन भी वही मौसम, वही हाल, वही रूटीन। लगता है जैसे ना कि टाइम लूप में फंस चुका हूँ। उठो, वो सारा दिन का काम करो, फिर उधर जाओ, फिर वहाँ से आओ, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ। ये टाइम लूप ही है, यही सारा दिन के बीच में यही काम रहता है मेरा। ऐसे जब उठ रहा था ना, तो मोबाइल में दिखाया प्रेडिक्शन के 90% चांसेस है बारिश होने के, लेकिन धूप दिख रहा है, ऐसा कोई चांस तो मुझे नहीं दिख रहा है। और चांस इसलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हवाएं वगैरह आज चल नहीं रही है, गर्मी लग रहा है। अगर हवाएं चलती, बादल होता, तो 90% चांस में से 50% माना जा सकता था, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। हवाएं चल रही है लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं प्रेडिक्शन कितना परसेंट सच है और कितना सच होता है। तो मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं चला फटाफट रेडी होने, मिलता हूँ आप लोगों से आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। दोपहर के करीब 2 बज रहे और धूप है बाहर। वो मैंने जैसा बोला था, बारिश होने का संभावना 90% है, पर मुझे नहीं लगता है। और आवाज़ सुन जो है ना, चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरी थकावट कितनी है, और आवाज़ सुन के ये पता चल रहा होगा कि काम हो रहा है, काम बहुत कम ही हुआ है। लेकिन आप ये वो छोड़ो, ये देखो तो अब 90% ना जाने किस हिसाब से बोला गया था कि बरसात होगा। तो ये ठंडी पानी के वजह से या फिर पानी पीने के वजह से, जिस वजह से भी है, लेकिन इस वजह से मुझे गौ सेवा रोज करने का मौका मिल जाता है। ये शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चौथा दिन है आज, और चौथा दिन लगातार ये गाय इसी टाइम पे 3 बजे के बाद ये कभी भी आ जाती है। और अब मैंने इनसे धो दिया, इसमें पानी भर दिया, अब ये जाएगी पानी पिएगी। देखो अभी पानी पीना स्टार्ट हो गई और पानी पिएगी, फिर हंसने जाएगी आसपास में, और फिर एक बार आएगी और मस्त नहाती है आएगी। तो और ये चल रहा है काम, डिजाइन विजाइन दिलाने के चक्कर में बहुत लेट हो रहा है, लगभग 2 दिन समझो कि ऐसे फालतू मरा, ये इधर से कंप्लीट रहा था। ये गाय तो चरने चली गई, लेकिन एक चीज देखो, खेत में बिल्ली भी घूम रही है, और ये पहला दिन दिख रही है मुझे। ये चल दी बिल्ली मौसी, चली गई। है अभी भी है, ओ माय गॉड, चली अभी छत पे ये बहुत सारी बैठी रहती है, अभी फिर से आ गई। कितना सुंदर लगता है ना पंछी जानवर उनके बीच में, तो ये पता नहीं कहाँ चली गई। अब घर में ही है, आवाज़ आ रहा उसका, लेकिन थक गया बहुत ज़्यादा, नींद आ रहा है। देखो शाम हुआ और ये गाय दोबारा आ चुकी है। ये ना जानवरों से आप एक और प्यार कर दो और वो आपसे हमेशा प्यार की उम्मीद लगाए रहते, केयर की उम्मीद लगाए रहते। खैर शाम हो ही चुका है, फिर से पानी पिला देता हूँ। एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम पर के सबका हालत ख़राब है। एग्ज़ाम देते 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 देते, देते। अच्छा है मैं इन सब चीज़ों से फ्री।
आरसीबी प्लेऑफ में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे प्लेऑफ में तो ये पहुंच गए, पर मुझे पूरा पूरा डाउट है कि ये जीतेंगे नहीं। देख के हालात ही बता रहा, और इनका नसीब कभी बदल तो सकता है नहीं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे 95% चांस है कि आरसीबी आज हारने ही वाली है। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, देखते हैं आगे क्या होता है। और जिस तरीके से इनका बैटिंग चल रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जीतेंगे वो। उनका ये क्या बदतमीजी है, 72 पे आकर 10:30 हो रहा है और थका था बहुत, सोने जा रहा था, तो सोने के पहले मैंने नहा लिया ताकि मूड ज़्यादा फ्रेश लगे। और ना आसमान में बादल है, शाम से ही लगभग 6:30 हवा चल रहा है ठंडी ठंडी, तो कुछ कह नहीं सकते और कुछ कहना भी है। सुबह क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन कल का भी है 40% बारिश का, और ज़्यादा नहीं हल्की फुहारे होंगी बारिश, यही प्रेडिक्शन किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो मैं तो चला सोने, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर अगले ब्लॉग में।